स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखी है प्रत्याशियों की किस्मत की तिजोरियां, अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगे। प्राचीन काली रात के मेले में उमड़ी भीड़, भंडारा प्रसाद वितरण के साथ हुआ समापन। दो दिवसीय वनव्रत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में दिखा उत्साह, बढ़ चढ़कर शामिल हुए कर्मचारी। और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में श्रद्धालुओं की भीड़, शहर के विभिन्न हिस्सों में प्रारंभ है कथा। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरे। और अब खबरें विस्तार से। लंबी जोर आजमाइश के साथ विधानसभा निर्वाचन 2018 के मतदान के बाद जिले की सातों विधानसभाओं से एकत्र कर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम में रखी गई है। इस पहरे को और सख्त और दुरुस्त करते हुए अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और हाईटेक सर्विलेंस के इंतजाम किए गए हैं। प्राचीन परंपरा का प्रतीक काली रात के मेले का आज विधिवत पूजन अनुष्ठान और विशाल भंडारे के साथ समापन हुआ। प्रकाश जी सावले भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हमारे ये जो आप हंसी सुन रहे हैं, चाहते रहना चाहिए। बोले नहीं जाते। माँ कालरात धाम प्रबंधकारिणी समिति आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत और वंदन करती है। और जो भी चीजें हैं उसको देखते रहे, देख तत्व से सारो सूचना सूचना करो, मुझे भक्तों में सूचना करो। धीरे धीरे आज प्रसाद बहुत है। हाँ, रस्सी को ताकत में लगा। भक्ता जाने से निवेदन है, इसी प्रकार बढ़िया भंडारे का अपने घर लेके जाए, अपना प्रसाद के रूप में अपने घर परिवार सभी को वितरित करें। जो यहाँ पे प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी आके पूरा प्रचार के माध्यम से हमारे जिले भर में और पूरे प्रदेश में इस चीज की जानकारी मिल जाती है। कालीराज धाम प्रबंधकारिणी समिति आप सभी भक्तजनों का हार्दिक 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 अभिनंदन करती है। तो थोड़ा भक्ता मुक्ति ना करे, डिस्टेंस बना के रखे। तो पास है मंगलसूत्र को करो, चलो जो पर्स वगैरह जो भी हो
उसकी सुरक्षा आपके हाथ में है। प्रशासन अपने तरीके से काम भी कर रहा है। अपने प्रयत्नों के माध्यम से ही यह विलुप्त हो चुका मेला आज जागृत अवस्था में पुनः आ चुका है। इसलिए हम सभी समिति के और सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। मेले में आप अपने प्रसाद लेके ग्रहण कर दिया है। सारे परिवार से लाइन में लगी तो विकास कार्य को यहाँ पर उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया। आज हमारे बीच में उपस्थित है, उन्हीं के साथ हमारे कालीरात प्रबंधकारिणी समिति उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। बहुत ही ऐतिहासिक मेला है श्री कालीरात धाम के सौजन्य से। यह मेला 23/11/2018 से प्रारंभ हुआ और जो आज इस मेले का विशाल भंडारे के साथ में समापन हो रहा है। यह मेला पहले बहुत ही अधिक मात्रा में लगता था, लोग यहाँ घूम जाते थे, मेले के अंदर बच्चे घूम जाते थे, लेकिन बीच में यह मेला लुप्त हो चुका था, बंद हो गया था। हम लोगों ने समिति का गठन करके फिर से इस मेले को पुनर्जीवित किया है और आज यह मेला फिर से अपने वही पुरानी स्थिति में आ गया है। आज भी इस मेले में सभी प्रकार की दुकानें, सुई से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों तक की दुकानें यहाँ पर आई हुई है। फोर व्हीलर, ऑटो वगैरह सारी एजेंसियां यहाँ पर अपने अपने स्टॉल लगाकर बैठे हुए हैं और सभी प्रकार की दुकानें यहाँ पर आई है और फिर से यह मेला अपने पुरानी स्थिति में आ चुका है। हम लोग आगे भी ऐसा सहयोग रहेंगे। समिति के द्वारा बहुत अच्छे मेले में व्यवस्था बनाने के लिए प्रयत्न किया गया और इसी प्रकार से हमारा हमेशा ऐसा ही प्रयास रहेगा ताकि यह मेला और अच्छी स्थिति में आ जाए। अपने सार्थक सफल योग क्रियाओं के लिए विख्यात अपना ध्यान का स्थापना दिवस आज समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर अपना ध्यान के प्रणेता आचार्य जमुना प्रसाद जी ने साधक शिष्यों को मार्गदर्शन व शुभ आशीष प्रदान किया। जो दिल के खूबसूरत हो, खुदा ऐसे लोगों को बहुत कम बनाते हैं। मैनेज करने में प्रॉब्लम होगा कि सारे लोग आ जाए तो सभी परिवार की तरफ से मैं स्वागत किया जा रहा है। श्री गुरु माता जी की जय। सभी जोर से बोले श्री गुरु माता जी की जय। सभी से अनुरोध है कि कृपया कतार होके बैठे, लाइन से बैठे। जो हम ले सकते हैं तो गुरुदेव जी से अनुग्रह है कि वो उसे उस गिफ्ट को स्वीकार करें। परिवार की तरफ से श्री माता अब मैं श्री दर्शनिया जी से अनुरोध करती हूँ और जी से अनुरोध है कि वो ऑर्केस्ट्रा परिवार का स्वागत करें। और इसे करेंगे श्री महेश मौर्य जी से अनुरोध है। जय श्री महाकाल जी, जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री अजय जी। ऐसे मैदान में जारी दो दिवसीय वन व्रत स्तरीय खेलकूद स्पर्धा का आज पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। खेल प्रतियोगिताओं में वन विभाग के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने अलग अलग खेलों में जोर आजमाइश की। अब एक नंबर पे आ सकते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे दौड़ते रहो। बस जो दौड़ेगा वो किसी बीमारी को अपने शरीर के पास नहीं आने देगा। अगर सभी बीमारियों से बचना है तो मेहनत करते रहिए। दोनों को एक नंबर पे आ जाओ, एक नंबर पे धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। हेलो बहुत बढ़िया,
अंदर मैडम बहुत बढ़िया, बंगारो मैडम बहुत बढ़िया, सावित्री और मैडम का नाम नहीं मालूम मुझे, खेल भावना का पर्चा है, चलो फेंकी मैम, भैया इधर भी ले लेना भैया, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया खत्म कर रहे हैं हम लोग, धीरे 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 जल्द से जल्द फायदा रहा हूँ और हमें फिर पुनः अपनी प्रतियोगिता आरंभ करनी है और 10,000 मीटर पैदल चाल की वन विकास निगम के थ्रो का कुछ प्रॉब्लम है, आ जाए आ जाए आइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बाद आखिरी राउंड है आपका, पहले ट्रैक पर आ सकते हैं तुम भी, पहले ट्रैक बहुत बढ़िया प्लीज, उसके बाद स्पीड से करो, पहले आओ पहले ट्रैक पर, पहले ट्रैक पर आ जाओ। खबरों में ये वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। संतोष कैटर, यादगार लम्हों को बनाए खास, हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का, शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने, आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर, जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ, संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज, लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक, डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड, हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने छिंदवाड़ा। आंखों में सपने संजोए तेरी चाहत के, बरसों से पलके बिछाए तेरी राहों में, जिंदगी में तुम मिले ऐसे कि एक रिश्ता बन गया, एक रिश्ता जो तेरे होने का एहसास दिलाता है, तुझसे दूर ही सही तेरे पास होने का एहसास दिलाता है, तेरे साथ एक नई दुनिया बसाना है। डायमंड, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला, द प्राइड ऑफ मां कौशल ज्वेलर्स कामती वाले, जो बनाए आपके सपनों को हकीकत। गिरनार शॉपिंग दिवाली के शुभ अवसर पर लेकर आए हैं मेगा डिस्काउंट महा बचत ऑफर, एक बार में मात्र 3,000 की खरीदी पर आप पाएंगे चांदी का सिक्का फ्री, ऑफर 7 नवंबर 2018 तक। तो आइए छिंदवाड़ा के बेस्ट सुपर बाजार जहां हर दिन है ऑफर ही ऑफर, 500 की खरीदी पर एक कूपन और 20 कूपनों पर 500 की खरीदी मुफ्त, बचत का वार गुरुवार और रविवार जिसमें आप पाएंगे 999 की खरीदी पर 2 किलो शक्कर फ्री, लेडीज टॉप पर 20% की भारी छूट। गिरनार शॉपिंग, उत्तम क्वालिटी का किराना, जनरल प्लास्टिक आइटम, लेडीज पर्स एवं ज्वेलरी, मेंस वेयर, लेडीज वेयर, बच्चों के खिलौने, ऊनी कपड़े, बेकरी प्रोडक्ट, सब कुछ वाजिब दामों में उपलब्ध। गिरनार शॉपिंग, गांधीगंज छिंदवाड़ा, गिरनार शॉपिंग। स्टेटस फर्नीचर, हाउस ऑफ क्वालिटी, स्टेटस है तो क्वालिटी है, स्टेटस है तो डिजाइन है, स्टेटस है तो भरोसा है, स्टेटस है तो वैरायटी है। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर आपके लिए लाए हैं 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा बिना प्रोसेसिंग चार्ज के। तो आइए जिले के सबसे विशाल फर्नीचर शोरूम में जहां आपके लिए है स्टेटस फर्नीचर, नगद खरीदी पर 20,000 तक के गिफ्ट वाउचर, झूले और रिवॉल्विंग चेयर, किफायती दामों पर फर्नीचर्स की विशाल रेंज, बेडरूम सेट, सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर,
डाइनिंग सेट, गार्डन फर्नीचर, मॉड्यूलर फर्नीचर, आर्टिफैक्ट्स और फ्लावर सेट, स्टेटस फर्नीचर, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर्स एंड इंटीरियर सॉल्यूशंस। स्टेटस फर्नीचर LIC ऑफिस के पास परासिया रोड छिंदवाड़ा। वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता स्टेटस फर्नीचर। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटरर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साई कैटरर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लालबाग स्थित आदिशक्ति दुर्गा पीठ स्थित भैरव मंदिर में आज भैरव अष्टमी पर अभिषेक एवं पूजन अनुष्ठान किया गया। सुकलुढाना में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ है। स्थल पर आज भक्त ध्रुव की कथा सुनाई गई। तू वेणु का वादन करता था तब वो भी छोड़ दिया। अरे मैंने सुना था तू काली कामली होता था कर ठाकुर वो भी छोड़ दिया। परंतु एक बात ख्याल तो कर ले का मैं पुकार रहा हूँ, पर तूने मुझे वचन भी कर गया कि दादा जब तुम्हारी स्वास्थ्य अवरुद्ध होगी ना तो मैं अवश्य आऊंगा, अवश्य आऊंगा। कब तो आजा प्यास लगी तेरे दर्शन की और प्यास बुझा दे तन मन की। और एक चीज कह रहे हैं कि प्रभु
ध्रुव को प्रभु जी तुमने गज को प्रभु का प्रभु एक छोटा सा बालक आएगा तेरे द्वार पे का उसे तूने आज भी अजर अमृत बना दिया। एक पशु ने तुझे चिल्लाया था उसकी पंद काटने के लिए तू वहां चला गया था ठाकुर कि ध्रुव को प्रभु जी तुमने तारा और गज को प्रभु जी तुमने उबारा। अंत में कह दिया कि पीर हरो मुझे निर्धन की रात लगी तेरे दर्शन की। तब अभी ना जाओ आ जाओ। और जैसे ही मेरे ठाकुर गए अर्जुन हाथ थाम ले ठाकुर का। त्रिलोकी नगर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में शामिल होकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। पर इतने बरस में आज पहली बार ऐसी घटना घटी है कि तुम्हारे खिलाफ वारंट आया है महाराज। ये पहला मौका है और जरूर ये कोई भोला भाला भगत है। और यदि महाराज इस भगत की रक्षा करने के लिए तुम नहीं गए तो ये गरीब भगत तुम मर जाएगा। ये रहा आपका वारंट। पोस्टमैन भी पत्र देकर के चला गया। पंडित जी ने रात्रि की पूजा की, दीपक जलाए, ताला लगाए, पंडित जी भी चले गए। समय बीता। अब दूसरा दिन पेशी का आया और जैसे पेशी का आया तो साहूकार भी पहुंच गया। वो गरीब बेचारा दोनों पहुंच गए। और जो गरीब पहुंचकर कटघरे में खड़ा हुआ, वकील साहब ने जाकर कहा, अरे एक बात बताओ। बोले हाँ। तुमने अपने गवाह को खोजा? बोले महाराज हमें क्या पता, वो तो रघुनाथ जी जाने की भी आएंगे के लिए। अब तो वकील साहब ने जाकर जज साहब से सारी बातें कह दी। तीर लगाई गई। रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। पर कोई रघुनाथ नाम का होगा तो आए। सब चारों तरफ देख रहे, कोई नहीं आया। अचानक जज साहब का ध्यान गया कि एक बुड्ढा सा पुरुष जिसके मस्तक में बड़ा तेज है, फटे से कपड़ा पहनकर लाठी टेक करके बिल्कुल कटघरे की तरफ आ रहा है। महाराज मैं हूं रघुनाथ। रघुनाथ जी कटघरे में खड़े हुए। सब रघुनाथ जी को देखते रह गए। अरे इस बूढ़े के मस्तक में बड़ा तेज है, आखिर यह है कौन? सभी देखते रह गए। अब तो कटघरे में खड़े रघुनाथ जी से पूछा गया, महाराज एक बात बताइए, इस साहूकार और इस गरीब के बीच में जो संबंध हुआ था, रुपया पैसे साहूकार को पैसा दिया, उस समय तुम बीच में थे? रघुनाथ जी ने कहा, हाँ मैं दोनों के लेन देन में बीच में था। पर जो कहा लेन देन में बीच में था, अब तो साहूकार शक पका गया कि आखिर ये है कौन, ये तो उस समय वहां तो कोई था नहीं। साहूकार ने कहा, अरे क्या सबूत है तेरे पास? अब तो रघुनाथ जी ने कटघरे में खड़े खड़े कहा, बोले महाराज एक काम करो, इस साहूकार को यही पकड़ के रखो, भेजो अपने पुलिस वालों को, सैनिकों को, जाओ। पुलिस ने आकर के यहां पर साहूकार को पकड़ लिया। दो चार लोग गए जाकर के अलमारी खोली तो सही में 48 नंबर की आज वही में और बीचों बीच उस गरीब की रसीद रखी हुई। रसीद लेकर भागे भागे आए और जो आकर जज साहब को दिखाए। साहूकार को कारागार में डाला गया लेकिन गरीब आदमी को बाइज्जत बरी किया गया। आज यहां पर गरीब आदमी लौट करके चला गया लेकिन जज साहब को रात भर नींद नहीं आई। जज साहब ने कहा, सारी जिंदगी में लोगों को फैसला सुनाता रहा लेकिन ऐसा अनुभव मुझे आज तक नहीं हुआ, ऐसा केस ना तो आज तक आया है ना आएगा। आखिर ये गवाह था कौन जितने इतने स्पष्ट तरीके से बता दिया कि रसीद कहां पर रखी हुई है? मुझे तो जाकर उस गरीब आदमी से मिलना पड़ेगा। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखी है प्रत्याशियों की किस्मत की तिजोरियां, अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगे।
प्राचीन काली रात के मेले में उमड़ी भीड़, भंडारा प्रसाद वितरण के साथ हुआ समापन। दो दिवसीय वनव्रत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में दिखा उत्साह, बढ़ चढ़कर शामिल हुए कर्मचारी। और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में श्रद्धालुओं की भीड़, शहर के विभिन्न हिस्सों में प्रारंभ है कथा। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।